हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव ब्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और आज चलिए आप लोग को एक नई जानकारी देते हैं जो कि मोबाइल क्रेन है। और आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सारा चीज़ क्लियर बताऊंगा, तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए आज एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जाके बेल जरूर दबा दें ताकि आपको मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर देर न करते हुए और नए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को कुछ नया सिखाते हैं। तो आइए हर बार की तरह इस बार भी आपको सबसे पहले क्रेन दिखाते हैं जो कि आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। सामने जो आ रही है ये क्रेन जो कि जूम लाइन का है और ये 55 टन का क्रेन है। जी हाँ, 55 टन का क्रेन है ये। और ये ट्रक माउंटेन क्रेन है, फोर व्हील क्रेन नहीं है, इसको ट्रक माउंटेन क्रेन बोलते हैं जो कि मोबाइल क्रेन है। और देख पा रहे होंगे लिखा हुआ भी है जूम लाइन का है। तो ये 55 टन का जो क्रेन है आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में कि इसे किस तरह से एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि इसका जो आउटरिगर है किस तरह से लगाया जाता है ये वर्किंग के लिए। आपको अगर काम करना हो तो बिना लगाए आप काम नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन सा इसका लीवर है और किस काम में आता है और कैसे इसको लगाया जाता है, इसको लेबल कैसे किया जाता है पूरा क्रेन को। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताने का ताकि आप लोग एक बार में समझ सकें और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फिर चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से क्रेन को लगाया जाता है। इसके बाद आप लोगों को फिर मैं ऑपरेटिंग केबिन के बारे में भी बताऊंगा पूरा कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो अभी फिलहाल आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है कि सिर्फ आउटरिगर के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आउटरिगर को लगाया जाता है। तो चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। तो क्रेन देखिए बिल्कुल पार्किंग में लग चुकी है और देखिए कुछ इस तरह से देखने में लगता है। QI देखिए 55 भी लिखा हुआ है जो कि क्रेन का कैपेसिटी, जो इसका क्रेन है जो 55 टन का, तो लिखा हुआ भी है। और देखिए इस तरह से कुछ देखने में क्रेन लगता है। और अभी देखिए यहाँ पे जूम लाइन भी लिखा हुआ है और देखिए QI 55 भी है जो कि आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने। और इसका कलर भी देखिए इस तरह का है, जो 2018 मॉडल है ये, जो जूम लाइन का ये 55 टन का क्रेन है ये 2018 मॉडल है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो चलिए देखिए आ गए हैं बिल्कुल ड्राइविंग केबिन में। और बिल्कुल देखिए जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग का बिल्कुल नीचे ही इसका की है जो कि चाबी दिया हुआ है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार घुमाएंगे तो नहीं स्टार्ट होगा, हम दूसरा बार भी इस तरह से घुमाएंगे फिर भी स्टार्ट नहीं होगा। और जब दूसरा बार पूरा घूम जाएगा तो इस तरह का देखिए लाइट आएगा पूरा, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में इस तरह से सारा लाइट जल जाएगा। उसके बाद 4-5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा जब शो कर जाएगा आपको, जो भी है जितना भी लाइट सब शो कर जाएगा, उसके बाद से आपको सेल्फ मारना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा दिख रहा है ये बैटरी का है और ये देखिए ये एयर का है। ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा एयर का है जो कि टंकी का है। और ये देखिए बैटरी का पावर हमारा दिख रहा है, आप सामने देख रहे होंगे। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है जहाँ पर, ये एयर का है, हवा का है। तो चलिए अब सेल्फ मारते हैं और इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर इस तरह से घुमा के आप इस तरह से देखिए, बिल्कुल आपको इस तरह से पकड़िए चाबी और थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा जिसके वजह से दिक्कत होती है स्टार्ट करने में, बिल्कुल अटपटा सा लगता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप इसको चाबी को पकड़ के स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है हमारा मशीन, आप देख पा रहे होंगे। और हमारा ऑयल वगैरह जो है वो भी अब शो करने लगा जब स्टार्ट हुआ। तो देखिए हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारा है जो कि गियर है, आप देख पा रहे होंगे ये रिवर्स है, ये सी गियर है और ये हाई लो है। आप इतना याद रखिएगा कि इसमें आपको मैं बताया था सेम XEMG का तरह ही है इसमें। तो देखिए एक नंबर, दो नंबर,
और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, इतना आपका लॉ में लगेगा। जब आपका ये लॉ में रहेगा बिल्कुल नीचे, जो 1 नंबर ये है ना, देखिए इस तरह का लॉ में रहेगा ना, तब लॉ में लगेगा। इसको जब ऊपर कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे, 1 के जगह पे सीधा हमारा 5 नंबर लगेगा, और 2 के जगह पे 6 लगेगा, और 3 के जगह पे 7 लगेगा, और 4 के जगह पे 8 लगेगा। जब हमारा ये ऊपर रहेगा तब, और जब ये नीचे रहेगा तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, अगर लगाएंगे सबसे इस तरह ढकेल के और उधर, तो रिवर्स लग जाएगा, और सीधा आगे करेंगे तो 1 नंबर, और इस तरह से 2, 3, 4, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये है सिस्टम इसका। और चलिए अभी देखिए, यहाँ पे रेड दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि कांटा के सामने है। तो ये अभी जब तक हम पीटीओ नहीं लगा सकते हैं, जब तक हमारा ये हवा भर नहीं जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल सामने, और ये देखिए बिल्कुल जो आपको ये दिखे रेस है, अगर हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कांटा, जो देखिए ये रेस है, जितना तेज़ दबाएंगे उतना ये हमारा बढ़ता जाएगा बिल्कुल। और देखिए ये हम जब एस्केलेटर दबाएंगे तो ये हमारा बढ़ता जाएगा, और इसके नीचे जो दिख रहा है पूरा ग्रीन सा, वो हमारा डीजल का है, और ये हमारा स्पीड है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सामने, ये हमारा स्पीड है, और उसके नीचे स्पीड के नीचे जो आपको रेड दिख रहा है ये टंकी है, यानी कि हवा वाला टंकी का जो बताता है वो है हमारा। जब हवा भर जाएगा ना तो वो ग्रीन होता चला जाएगा आगे बिल्कुल। तो अभी देखिए रेड है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है आपको। तो जब तक रेड रहेगा ना तब तक आपका क्लच नहीं दबेगा, क्योंकि पूरा एयर से सप्लाई है। जब तक आप का सारा टंकी में हवा नहीं भर जाता है तब तक आप क्लच नहीं दबा सकते हैं, गियर नहीं लग सकता है, और जब क्लच ही नहीं दबेगा तो गियर भी नहीं लगेगा। देखिए तो बिल्कुल, और ये देखिए 2 नंबर शो कर रहा है, जो कि 2 नंबर टंकी में है, अभी लो है वहाँ पे, देखिए लो शो कर रहा है ऊपर में, और देखिए 1 पॉइंट अभी भरा हुआ है हमारा हवा, बिल्कुल 1 पॉइंट है, तो अभी भी नहीं आएगा हमारा ऊपर नीचे। अगर 1-1 पॉइंट हरा जल जाता है ना तो फिर आप क्लच दबा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए लो बता रहा है, यहाँ पे 2 नंबर टंकी हमारा लो बता रहा है, इसीलिए अभी हम नहीं लगा सकते हैं। तो हल्का हल्का आपको बिल्कुल एस्केलेटर दबा के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको 2-4 मिनट, तब जाके देखिए अभी दूसरा भी जल चुका हमारा। तो अभी इस तरह से दोनों तरफ ऊपर और नीचे जल चुका है, तो समझिए कि हमारा दोनों टंकी में हवा आ चुका है। तो आप अभी लगा सकते हैं क्लच दबा के, उसके बाद अभी आप पीटीओ लगा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीटीओ किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा है, जो कि ये बिल्कुल 4 नंबर में हमको लगाना होगा। तो 4 नंबर में जाके उसके बाद ये क्लच है बिल्कुल सामने, ये क्लच, तो इस क्लच को हमको फुल दबाना होगा, उसके बाद से हमें ये 4 नंबर लगाना होगा इस तरह करके, और पीछे की ओर कर देंगे ना बिल्कुल, देखिए इस तरह से पीछे की ओर, तो ये हमारा 4 नंबर लग गया। उसके बाद से ये सामने देखिए, ये रहा पीटीओ बटन, इसको हम खींच लेंगे अपने ओर, और धीरे से हम इस तरह के क्लच छोड़ देंगे बिल्कुल, देखिए इस तरह से छोड़ देंगे, तो हमारा पीटीओ अब लग चुका है। तो पीटीओ लग चुका है, उसका हमारा निशान भी दिख जाएगा जो कि डिस्प्ले में शो करता है। और ये हमारा है हैंड ब्रेक, ये ज़रूरी है लगना, ये लगा रहेगा तभी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा रहेगा तो गाड़ी आगे बढ़ने का चांस है। तो सबसे पहले आप हैंड ब्रेक लगा लें, उसके बाद ही आप पीटीओ लगाएं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका आउटरिगर निकाला जाता है। और देखिए यहाँ जो सामने स्विच है, ये लाइट का स्विच है, आप देख रहे होंगे ये रात के लिए है, आप लाइट जला के काम कर सकते हैं और लेबल देख सकते हैं। और ये है रेस का, आप इससे रेस बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और चलिए देखिए आगे बिल्कुल लीवर के पास है, और ये रेड वाला जो दिख रहा है, जो दागी है, ये मेन है, और ये जो एक सिंगल है ना, ये सबसे आगे का है, और ये जो 2 है ये हमारा आगे का लेफ्ट और राइट का है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो देखिए ये जो हमारा सामने है लीवर के पास आगे का है, ये देखिए दोनों हमारा एक साथ में निकलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है हमारा दोनों एक साथ में निकलेगा, देखिए इस तरह से अगर आप दबाए रखेंगे ना तो बिल्कुल हमारा दोनों एक साथ में निकलेगा। तो आप सिर्फ उस लीवर को आप दबाए रखें, दोनों लीवर ऊपर करके और मेन लीवर को आप दबाए रखेंगे, तो ये आसानी से हमारा दोनों निकल चुका है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस तरह से दबाए रखें, और ये दोनों लीवर जो है ये ऊपर की ओर रहना चाहिए और इसको नीचे की ओर दबाना चाहिए, तब जाके हमारा दोनों निकल गया। तो चलिए एक साइड का तो आपको दिख रहा है, और आपको चल के दूसरे साइड का भी दिखाते हैं कि निकला है कि नहीं निकला है।
तो देखिए अभी सबसे पहले इसको फिर से लेबल कर दीजिए आप, और लेबल करने के बाद फिर से ये दोनों है इसको ऊपर उठा के और ये नीचे कीजिए। तो देखिए पीछे का जो हमारा दोनों है, ये पीछे का हमारा बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अगर आप तेज निकालना चाहते हैं तो जो बताया था आपका एस्केलेटर उसको आप बढ़ा सकते हैं, तो ये तेज़ी से निकलेगा। और आराम से निकालना चाहते हैं तो सिर्फ़ वो मेन लीवर को आप दबाए रखिए। अगर ये देखिए ये मेन लीवर को दबाए रखिएगा तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा और ये दोनों ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए ये हमारा निकल रहा है और ऑलरेडी अब दोनों तरफ का हमारा निकल चुका है। तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं कि दोनों साइड का निकला है या नहीं, क्योंकि हमने दोनों लीवर ऊपर उठाया था तो दोनों साइड का निकलना चाहिए। तो देखिए ये हमारा दोनों साइड का निकल चुका है, आप देख रहे होंगे आगे का भी और पीछे का भी, जो कि हमने दो दो करके निकाला था एक एक बार लेफ्ट और राइट करके। तो हमारा बिल्कुल देखिए चारों जग अब हमारा निकल चुका है एक ही साइड से। अगर आप चाहते हैं तो दूसरे साइड से भी निकाल सकते हैं, दो इस साइड का दो उस साइड का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक साइड से भी आप निकालना चाहते हैं तो पूरा एक साइड से भी निकाल सकते हैं, जो कि देखिए जूम लाइन 55 टन का क्रेन है और ये इसका फंक्शन है। यहाँ पे बिल्कुल जो सामने लीवर है इसका मेन लीवर है। अब इसको चलिए मिनिमाइज कर देते हैं, बिल्कुल लेवल में कर देते हैं, बीच में लेवल होगा। और इसको देखिए दो अगर नीचे करेंगे और इस तरह से इसको नीचे करेंगे तो जो हमारा आउट ट्रिगर का जो जक है ना, जक नीचे का जो ज़मीन में लगता है, वो जक हमारा लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख रहे होंगे तो हमने दोनों लीवर दबाया है तो हमारा दोनों साइड का नीचे आ रहा होगा। तो ये साइड का तो आप देख रहे होंगे और वो साइड का भी नीचे हमारा आ रहा है। तो इसको जितना साइड में आप चाहें उस तरह से आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं, और इसको फिर से आप लेबल करना चाहते हैं तो लेबल कर सकते हैं, जो कि जब उठ जाएगा आप देख पा रहे होंगे कि हाँ हमारा आगे अब काम भर हो गया है, जक लग चुका है। तो इसको आप फिर से लेबल कीजिए, उसके बाद से पीछे वाला जो दोनों है लेफ्ट और राइट का, उसको फिर इसी तरह से आप देखिए डाउन कर सकते हैं। तो आप दिख रहा होगा आपको कि ये बिल्कुल देखिए डाउन हो रहा है, जो कि धीरे धीरे डाउन हो रहा है। आप रेस लेके तेज से भी डाउन कर सकते हैं इसको, तो कोई ज़रूरी नहीं है तेज़ी से करना, आप आसान से धीरे धीरे से कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल क्रेन लगाने में। जितने आराम से लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और सेफ्टी रहेगा। तो देखिए ये हमारा लेबल है जो कि बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको, ये वाटर बिल्कुल बीच में जो दिख रहा है एक बूंदा सा, जब तक ये दोनों काला घेरा के बीच में आ जाएगा तो समझिए लेबल हो गया। तो देखिए हमारा ज़मीन सही था यहाँ पे, जिसके कारण से ये लेबल हो गया। कभी कभी परेशानी होती है ऊंचा नीचा होता है तो। और ये जो लास्ट वाला बटन है ना, ये बिल्कुल आगे का है, जो कि हमारा इंजन के पास जो होता है वो है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो सिंगल बटन जो हमने दबाया है, जो लीवर है सिंगल, वो लीवर किस काम में आता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इंजन के पास एक, आप देख पा रहे होंगे ये देखिए यहाँ पे एक जक है जो कि इंजन के सपोर्ट के लिए है। तो इससे आप बिल्कुल देखिए ये नीचे आ चुका, तो वो सिंगल जो लीवर है उससे हमारा ये आगे का लग जाएगा। तो हमारा पांचों, ये चार इधर और एक आगे, पांचों हमारा अब लग चुका है। और ये देखिए क्रेन पूरी तरह से हमारा स्टैंड हो चुका है, यानी पूरी तरह से क्रेन हमारा लग चुका है, आप देख पा रहे होंगे देखिए। तो देखिए बिल्कुल पूरा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद से फिर से इसको किस तरह से क्लोज किया जाता है इसको मैं वो भी आपको करके बताता हूँ कि कैसे क्लोज किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लें पूरा ये लग चुका है, आपको पूरा क्रेन घुमा के दिखा देते हैं चारों तरफ से, बिल्कुल चलिए मेरे साथ में। और देखिए बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे ये क्रेन पूरा स्टैंड हो चुका है, हमारा चारों जग में लग चुका है बिल्कुल, और आप इससे अब काम कर सकते हैं। और चलिए फिर इसको रिमूव करके दिखाते हैं आपको किस तरह से इसको क्लोज किया जाता है। तो क्लोज करने के लिए फिर से आपको वापस वहीं पे जाना पड़ेगा जो कि हमारा लीवर जहाँ पे है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे सामने हम आ चुके हैं, और ये जो छह लीवर है हमारा देख पा रहे हैं, एक साथ में आप पाँचों आगे का भी आप कर सकते हैं, और ये चारों पाँचों एक साथ में बंद करते समय नीचे का जो जक है उसको आप एक साथ करके और इसको आप ऊपर की ओर करेंगे ना, तो हमारा बिल्कुल पाँचों जक एक साथ में बंद हो जाएगा, जो कि नीचे का जो जक है वो अंदर आ जाएगा। तो आप उसको आसानी से अंदर कर सकते हैं, उसके बाद जो आउट ट्रिगर है उसको आप एक एक करके कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये धीरे धीरे बिल्कुल वापस आ रहा है। सबसे आसान तरीका है इसका कि एक बार पाँचों लीवर को आप नीचे कर दें, उसके बाद से उसको धीरे से आप पुश करते रहें ऊपर की तरफ पकड़ के रखें, तो ये आसानी से बिल्कुल ज़मीन छोड़ देगा और सारा क्लोज हो जाएगा, जो कि पूरा पांचों है। एक तो जो सेफ्टी हमारा आगे इंजन के पास था
और देखिए इस तरह से बिल्कुल नीचे होना चाहिए और ये ऊपर की ओर करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल देखिए अंदर आ चुका। तो आप देख पा रहे होंगे ज़मीन छोड़ दिया हमारा जो कि जक है। अब आउट ट्रिगर अंदर करने के लिए आपको चलिए बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लें कि सब तरफ का वापस आया है या नहीं आया है। तो देखिए बिल्कुल ज़मीन छोड़ चुका है, सारा अंदर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे चारों का चारों। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं कि अब इस आउट ट्रिगर को अंदर किस तरह से लाया जाएगा। तो आप उसी लीवर के पास से फिर से आप दोबारा वापस आइए और आप एक एक करके भी ला सकते हैं, दो करके भी ला सकते हैं। तो ये तो काम हो गया हमारा। तो चलिए इसको सबसे लेबल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये जो है ना ये मेन लीवर जो हमारा है तो ये जो दो है और इसका तो काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है क्योंकि ये आगे का है तो ये हो चुका है हमारा। सिर्फ उसमें आउट ट्रिगर नहीं होता है, सिर्फ जक होता है जो कि आपने देखा आगे जो हमारा जक है। इस तरह करके हमने जक को ऊपर कर चुका है इसलिए इसका काम नहीं है। देखिए बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे इसका काम हो चुका है, तो इसका कोई काम नहीं है अभी। और हमारा काम ये दोनों का पड़ेगा यानी चारों का। तो ये दो सबसे पहले ऊपर करके और इसको हम ऊपर की ओर करेंगे ना, तो देख पा रहे हैं देखिए बिल्कुल इसको इस तरह से ऊपर कर दीजिए और ये हम ऊपर की ओर करेंगे तो ये जो हमारा आउट रिगर है ना ये देखिए ये जो सामने दिख रहा आउट रिगर ये हमारा अंदर जाएगा यानी दोनों साइड का एक बार में अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि दूसरे साइड का आ रहा है कि नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो है ये वाला यहाँ से इसको पकड़ के रखिएगा तो हमारा देखिए सामने जो दिख रहा है दूसरे साइड का भी हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि आया है कि नहीं आया है। तो देखिए आपको दिखाते हैं बिल्कुल यहाँ जो थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो उधर से आपको पता चल जाएगा। और चलिए दिखाते हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है उधर का लेकिन आपको दिखाते हैं कि आया है या नहीं आया है। तो देखिए वो भी आ चुका है, थोड़ा सा बाकी था हमने आपको बताया था। तो देखिए वो भी अंदर आ चुका है और इधर से भी आपको दिखाते हैं जहाँ से आप अंदर करेंगे लीवर के पास भी आपको पता चल जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये दोनों लीवर हमारा ऊपर है, देखिए यहाँ पे जो गैप है इससे पता चलेगा हमारा। इस तरह से ये ऊपर रहेगा और इसको हम ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर ऊपर करके देखते हैं और ये देखिए ये हमारा आ चुका है यानी कि बिल्कुल आगे का दोनों हमारा बंद हो चुका है। सेम उसी तरह से फिर से लीवर के पास आइए और उसको लेबल कर दीजिए, बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए सेंटर में और ये दोनों लास्ट का ऊपर उठाइए और इसको कीजिए। और देखिए हमारा पीछे का जो दोनों है ये दोनों जख हमारा पीछे का अंदर आ रहा है जो कि आउट ट्रिगर है जो कि अंदर बिल्कुल आ रहा है दोनों साइड का। तो ये आ चुका है और आपको फिर अब आगे चल के दिखाते हैं कि उस साइड का भी आया है या नहीं है राइट साइड का। तो वो भी आपको दिखा देते हैं बिल्कुल ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ एक बार में आता है या नहीं आता है। तो देखिए ये बिल्कुल आ चुका है और ये हमारा पूरा क्रेन बंद हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आसानी से आप बिल्कुल जैसा आप चाहें एक एक करके या दो दो करके या एक बार में चार करके आप बिल्कुल अंदर कर सकते हैं। सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं इसमें, अगर आप सिंगल लीवर दबाएंगे तो सिंगल होगा, डबल दबाएंगे तो डबल होगा। और इस तरह से फिर लेबल कर दीजिए और उसके बाद से फिर चलिए ड्राइविंग केबिन के पास। और सबसे पहला काम हमारा है कि जो कि क्लच दबाना पड़ेगा क्योंकि हमें पीटीयू रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्लच हमने दबाया, उसके बाद सबसे पहले पीटीयू देखिए ये पीटीयू को अंदर किया, उसके बाद से हमने गियर को बिल्कुल देखिए हटा दिया वहाँ चार नंबर से, बिल्कुल फ्री कर दिया गियर को। उसके बाद से आप क्लच छोड़ दीजिए और उसके बाद से बिल्कुल क्रेन आप बंद कर सकते हैं या कहीं ले कर जाना है तो आप जा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यही था हमारा जो कि क्रेन स्टैंड करने का पूरा। और ये रहा हैंड ब्रेक, आप हैंड ब्रेक छोड़ा के भी आप कहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है तो आप हैंड ब्रेक लगा के रखिए क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो यही था हमारा आज का जानकारी और फिर मिलते हैं आप लोगों से बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग ज़रूर एक बार हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कोई अगर जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं जहाँ तक कि आप लोगों को जवाब देने का और हर एक सवाल का आंसर देने का कोशिश करते हैं और हमेशा कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें ताकि आप लोगों को एक नई वीडियो हर दिन देखने को मिले और एक नई सीख सीखने को मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो गाइज, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों के मन में अगर कोई ख्याल है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मैसेज का जवाब देने का।
और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।